24 अगस्त की बात है। अमेरिका के लाखों लोग टेलीविजन सेट पर नजर गड़ाए बैठे थे। रिपब्लिकन पार्टी के 8 उम्मीदवार लाइव डिबेट में एक दूसरे से भिड़ रहे थे, तंज कस रहे थे, खामियां गिना रहे थे। कानूनी अड़चन की वजह से इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स को लगा कि डिबेट फीकी होने वाली है, लेकिन एक पतले दुबले शख्स ने अपने तर्क और हाजिर जवाबी से लोगों को स्तब्ध कर दिया। You would not support an increase of funding to Ukraine. I would not. And I think that this is disastrous that we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. Vivek Ramaswamy ne live debate mein jin 7 logon ke hosh uda diye wo koi mamooli shakhsiyat nahi thi. Ek the Mike Pence, जो डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक थी निकी हेली, जो साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। सांसद टिम स्कॉट, न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस, अरकानसस के गवर्नर रह चुके एसा हचिंगसन और उत्तरी डकोटा के गवर्नर डग बर्गो। इस एक डिबेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की हवा बदल दी, और ऐसा दावा अमेरिकी मीडिया में हो रहा है। भारतीय मूल के विवेक गणपति रामास्वामी की भाषा पर पकड़ और थारा प्रवाह संवाद शैली ने अमेरिका का दिल जीत लिया। I'll tell you, I'm not a politician, Brett. You're right about that. I'm an entrepreneur. My parents came to this country with no money 40 years ago. I have gone on to found multi-billion dollar companies. I did it while marrying my wife Apoorva, raising our two sons, following our faith in God. That is the American dream. And I do think Brett is going to take an outsider, because for a long time we have professional politicians in the Republican Party who have been running from something. Now is our moment to start running to something, to our vision of what it means to be an American today. सर्वे में अचानक से विवेक रामास्वामी पॉपुलर होने लगे। विवेक की पॉपुलैरिटी का मीटर तेजी से ऊपर जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि राम भक्त एक हिंदू अगले साल सुपर पावर कंट्री का सुपर बॉस बनने वाला है। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को अभी एक शुरुआत दी है, और आने वाले समय में वो एक लंबा सफर तय करेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और जिस तरीके से वो अपने हाजिर जवाबी के माध्यम से अपने तर्कों को रखते हैं और अपनी भाषा और शैली की वजह से वो एक अलग पहचान रखते हैं, उसकी वजह से जो उनकी लोकप्रियता है उसमें इजाफा हो रहा है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि विवेक रामास्वामी एक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। विवेक रामास्वामी कौन है, उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है, उनका हिंदू होना अमेरिका में टॉप ट्रेडिंग क्यों है, ये सब हम आपको अगले 5 मिनट में बताएंगे। सबसे पहले विवेक रामास्वामी की उस खूबी को जानिए जो अमेरिका के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, और वो है उनका बेदाग बैकग्राउंड। विवेक ने अब से पहले अमेरिका में किसी सरकारी पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा, और तो और 2004 से 2020 के बीच विवेक ने किसी राष्ट्रपति चुनाव में वोट तक नहीं डाला। विवेक की हाजिर जवाबी और मिस्टर कूल की छवि तेजी से अमेरिकियों को अपना दीवाना बना रही है। इंडियन मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में रामास्वामी ने एक बड़ी बात कही। रामास्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को मोदी से सीखना चाहिए कि कैसे कोई लीडर अपनी राष्ट्रीय पहचान को सबसे ऊपर रखता है। इस बात से इतना तो साफ है कि विवेक रामास्वामी नरेंद्र मोदी के सुपर फैन हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी का ये फैन व्हाइट हाउस की रेस जीत सकता है? मुझे ये लगता है कि विवेक रामास्वामी को अगर नॉमिनेशन मिल गया रिपब्लिकन पार्टी का, तो उसकी टक्कर जो बाइडेन के साथ होगी। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी बहुत गिर रही है, यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है, अगला राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, तो अमेरिका सिविल वॉर की ओर जाएगा, और अगर जो बाइडेन जीत जाता है तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो विवेक रामास्वामी को बहुत से लोग पसंद करते हैं।
सवाल व्हाइट हाउस के अगले बॉस का है और दुनिया के सुपर बॉस का जवाब अगले साल मिल जाएगा। ये भी दिलचस्प फैक्ट है कि साल 2004 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका और भारत में एक साथ सत्ता का इम्तहान होगा। चीन को चित्त करने के लिए बाइडेन सरकार भारत से रिश्ते मजबूत कर रही है। रामास्वामी ने भी साफ कर दिया है कि इंडिया को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक भारतवंशी की ये कामयाबी बाइडेन और ट्रंप को चौंका रही है। विवेक रामास्वामी को आने वाले समय में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, वो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। वो पहले ही एक स्थापित बिजनेसमैन हैं और वो हेल्थ केयर के सेक्टर में और मेडिकल रिसर्च के फील्ड में वो पहले ही अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं और अब वो राजनीति में भी वो कदम रख करके वहां पर भी अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं। इस चेहरे को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, ये हैं टेस्ला के सीईओ और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क। मस्क की पसंद भी विवेक रामास्वामी ही हैं। मस्क ने विवेक को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होनहार उम्मीदवार बताया है।